हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे एडिंग टेक्स्ट की, पेज नंबर 197 पे, कि किस तरह से हम एक स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो सपोज ये हमारी सही स्लाइड है और जिसमें भी हमें टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि दो प्लेस होल्डर हैं, इसमें दो बॉक्स हैं, जिसमें भी हमें लिखना है कुछ, उस पर हम क्लिक करेंगे सिंपली। तो उस पर क्या है, लिखने के लिए हमारा कर्सर यहाँ पर ब्लिंक होने लगेगा, तो हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको बताया भी था इसके पिछले वाले वीडियो में। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है इसमें। हाँ, और बात हमने की थी बैकग्राउंड चेंज करने की। तो अगर हमें बैकग्राउंड चेंज करना है तो इसके लिए डिज़ाइन टैब होता है, और डिज़ाइन में बहुत सारी यहाँ पर डिज़ाइंस अवेलेबल होती हैं जो कि पहले से इसमें होती हैं। ठीक है, ठीके? तो आपको जो भी डिज़ाइन अच्छी लग रही है उसको चूज़ कर लीजिए। ओके, और अगर आप खुद से कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर वगैरह इसका चेंज कर सकते हैं, और इसके फॉन्ट साइज भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इफ़ेक्ट भी इसके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और स्लाइड का ओरिएंटेशन मैंने बताया था, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो होते हैं, जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन हमारी रोटेट होती है उसी तरह से। ओके, तो ये हमारा ये डिजाइनिंग का काम यहाँ से होता है, डिजाइन टैब से। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो पावर पॉइंट ओपन है, एक है 2010 और ये हमारे पास 2016 भी है। ठीक है, तो हम अब 2016 पे काम करेंगे ना कि 10 पे। ओके, तो 10 को कर दिया हमने क्लोज, डोंट सेव। ओके, तो 2016 पे हम डिजाइन टैब पे जाते हैं, तो यहाँ पे ये डिजाइन्स अवेलेबल है, मैंने अभी आपको बताया, उसमें भी थी और इसमें भी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसमें एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन। आप लास्ट में देख सकते हैं डिजाइन टैब पे, लास्ट में ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट बैकग्राउंड का। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, सॉलिड फिल, यानी कि कोई सॉलिड कलर हमें फिल करना है तो वो हम फिल कर सकते हैं, कलर यहाँ से चूज कर लेंगे। ठीक है, सॉलिड फिल हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी हम बढ़ा सकते हैं, जैसे अगर हमें ट्रांसपेरेंट करना है इसको, तो यहाँ से हम इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडियंट फिल। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं ग्रेडियंट में क्या होता है, स्लोप ऑफ कलर। इसमें हमें दो कलर चूज करने पड़ते हैं जिनका एक स्लोप होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर से वाइट है, नीचे जाके रेड सा हो गया है वो। ठीक है, तो इसमें हमें इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट। ओके, तो ग्रेडियंट का हम कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन अप एंड डाउन इस तरह से, किस तरह का ग्रेडियंट आपको करना है कलर चूज कर सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है इसमें। तो कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर एंड टेक्सचर फिल। तो पिक्चर एंड टेक्सचर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ टेक्सचर अवेलेबल होते हैं, ये टेक्सचर का ऑप्शन है, देख सकते हैं इतने सारे आपके पास टेक्सचर है, ये बोर्ड टेक्सचर है या ये इस तरह का टेक्सचर हो सकता है, काफ़ी सारे इसमें टेक्सचर्स पहले से अवेलेबल हैं। ओके, ये फिश, इसमें फिश दिख रही हैं और ये हमारा इस तरह का टेक्सचर है, तो इनको टेक्सचर बोलते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न फिल। पैटर्न फिल में हमें कोई भी एक पैटर्न चूज कर लेना है, देख सकते हैं लाइंस वगैरह, स्टार्स और अलग तरह के इसमें बहुत सारे टेक्सचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो भी आपको सही लगे उसको चूज कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। ये सारा कुछ किस में होता है, डिजाइन टैब में। इंसर्टिंग वाटर मार्क। अब हम वाटर मार्क पे आते हैं। वाटर मार्क क्या होता है कि किसी भी स्लाइड में कुछ लिख दिया जाता है बैकग्राउंड में, उसी को हम वाटर मार्क बोलते हैं। तो ये भी हमारा कहाँ पे है, देखिए तो ये हमारा उसी फॉर्मेट बैकग्राउंड टैब में होता है। ठीक है,
और जब हम अप्लाई टू ऑल करते हैं तो सभी स्लाइड्स पे ये अप्लाई हो जाता है। अभी एक ही स्लाइड है इसमें, तो एक ही पे अप्लाई हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे वाटरमार्क की। तो डिजाइन टैब में ही हमारा फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। ऑप्शन है पिक्चर एंड टेक्सचर फिल। तो इसमें यहाँ से मैंने आपको बताया था कि टेक्सचर सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर टेक्सचर सिलेक्ट नहीं करना है, पिक्चर डालनी है आपको, तो इसके लिए फाइल पे हम क्लिक करेंगे, कोई भी एक फाइल चूज कर लेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। उसकी ट्रांसपेरेंसी आप बढ़ा दीजिए यहाँ से, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दीजिए, ठीक है। और इसकी जो ऑफसेट है इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको राइट लेफ्ट कहीं खिसकाना है तो इससे हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से पिक्चर आपकी स्लाइड के बैकग्राउंड में आ जाती है, और इसी को हम वाटर मार्क कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। देख सकते हैं ये यहाँ से जो इसमें लिखा गया है वही किया गया है बिल्कुल, ओके। तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो इंसर्टिंग वाटरमार्क के लिए जो बताया गया है यही है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम जाएंगे, उसके बाद एक पिक्चर चूज करेंगे, ठीक है। इन्होंने ये पिक्चर चूज की है, और इसके लिए हम इसके ऑफसेट और ट्रांसपेरेंसी को घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अप्लाई टू ऑल पे करेंगे। अप्लाई टू ऑल पे करने से क्या होगा कि जितने भी आपकी स्लाइड्स होंगी सभी के लिए सेम वॉलपेपर लग जाएगा या सेम वाटरमार्क लग जाएगा, ठीक है। पेज नंबर 200, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर। जैसे हम एमएस वर्ड में हेडर एंड फुटर इंसर्ट करते थे, बिल्कुल उसी तरह से स्लाइड में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके लिए करना क्या है, हमें इंसर्ट टैब पे जाना है, वहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन होगा, ओके। हेडर फुटर का ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा इस तरह से। यहाँ से हमें हेडर और फुटर पे हमें जो भी लिखना चाहते हैं वो सब में लिख जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लिक ऑन द नोट्स एंड हैंड आउट टैब, सेलेक्ट द चेक बॉक्स हेडर एंड फुटर एंड एंटर द टेक्स्ट एंड अप्लाई टू ऑल। देखिए तो हम जैसे अगर स्लाइड की हम बात करें तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब पे, क्योंकि हमें हेडर एंड फुटर इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ओपन हो जाता है। अब देखिए इसमें दो टैब हैं, इस डायलॉग बॉक्स में कितने टैब हैं, दो टैब, एक स्लाइड और दूसरा है नोट्स एंड हैंड आउट्स, ठीक है। तो नोट्स एंड हैंड आउट्स पर हम क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे हेडर एंड फुटर पर क्लिक करेंगे। हेडर में जो लिखना है वो लिख देंगे, जैसे कि क्लास नाइन्थ, ओके। फुटर में जो लिखना है जैसे आज की डेट, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारा जो डेट एंड टाइम था या जो हेडर फुटर था वो सभी में अप्लाई हो जाता। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जो हमने अभी हेडर और फुटर इंसर्ट किया है, ठीक है, उसमें हमने क्या डाला था, क्लास नाइन्थ डाला था हेडर में, और फुटर में हमने क्या डाला था, डेट। तो स्टूडेंट वो स्लाइड पे नहीं दिखती है, वो कहाँ दिखती है, जब हम हैंडआउट प्रिंट करते हैं या अपने लिए नोट्स प्रिंट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था हैंडआउट क्या होते हैं, जो इन स्लाइडों को प्रिंट करके पब्लिक में बांट दिया जाता है, पेपर पे प्रिंट करके पब्लिक को दे दिया जाता है, तो वो होते हैं हैंडआउट्स, ठीक है। अपने लिए जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं उनको हम बोलते हैं नोट्स, ठीक है। तो हम व्यू टैब पे जाएंगे, और व्यू टैब पे हम जब नोट पेज देखेंगे तो यहाँ पे हमें ये मिल जाती है, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हैं क्लास नाइन्थ लिखा हुआ है, ऊपर डेट भी लिखी है और नीचे भी डेट लिखी होगी 20 जुलाई, और पेज की साइज, ठीक है। तो ये हमारा नोट्स व्यू है, ओके, नोट पेज का, ठीक है। तो ये सिर्फ यहीं पर दिखेगी, ये हमें स्लाइड पर नहीं दिखेगी, ओके।
चलिए इसकी आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 201 पे। स्लाइड नंबरिंग, स्लाइड में नंबर डालना है तो कैसे डलेगा? इंसर्ट टैब, हेडर, फुटर, टेक्स्ट ग्रुप, तो यही मैंने अभी स्लाइड नंबर पे चेक किया था, देख सकते हैं आप। तो इसमें स्लाइड में पेज नंबर भी डला हुआ है, देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, यानी कि स्लाइड नंबर 1 है। ठीक है, ये हमने कहाँ से डाला था? इंसर्ट टैब पे जाके हेडर एंड फुटर से, और यहाँ पे हमने पेज नंबर पे क्लिक किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर डल गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कल करेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।